हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसीजन थ्योरी के सेकंड टॉपिक के बारे में, मींस सेकंड मेथड के बारे में, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। जो हमारा फर्स्ट मेथड था डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, वो हमारा फर्स्ट वीडियो में कवर हो गया था। इसकी हमने प्रॉपर थ्योरी भी कर ली थी और प्रैक्टिकल भी सॉल्व कर लिया था यूजिंग दीज ऑल डिफरेंट मेथड्स। सो आज हम इसकी थ्योरी और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे दो मेथड्स आते हैं। फर्स्ट मेथड है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू और सेकंड मेथड है एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। सो चलिए इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ये रहा हमारे पास बेसिक कंसेप्ट, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क विद प्रोबेबिलिटी। अंडर दिस द डिसीजन मेकर विल टेक द डिसीजन वाइल कंसिडरिंग द रिस्क। इसका मतलब इस थ्योरी में जो अपना डिसीजन मेकर है वो डिसीजन लेगा और रिस्क को कंसिडर करेगा कि ये डिसीजन लेने से मेरे को कौन सा रिस्क अराइज होगा। द डिसीजन मेकर विल ऑल्सो डिवेलप द प्रोबेबिलिटी फॉर वेरियस ऑल्टरनेटिव। जो भी उसके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होंगे डिसीजन लेने के लिए, वो उनके लिए प्रोबेबिलिटी भी डेवलप करेगा। सो प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये तो हमें पता ही है, पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज के अराइज होने की पॉसिबिलिटी क्या है। सो इसमें बेसिक दो ही कंसेप्ट थे। फर्स्ट कंसेप्ट, जो डिसीजन मेकर है वो रिस्क कंसीडर करेगा क्योंकि ये अंडर रिस्क वाली थ्योरी है डिसीजन मेकिंग की, और साथ में वो इसकी प्रोबेबिलिटी भी डेवलप करेगा विद प्रोबेबिलिटी। सो जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्राइटेरिया, दिस मेथड विल रिक्वायर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू फॉर ईच एक्ट यूजिंग प्रोबेबिलिटी। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो मेन फोकस है हमारा एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, कि अगर हम कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेते हैं तो हमें कितनी मॉनेटरी बेनिफिट उससे अराइज होगा। डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन से, डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव से हमें कितना बेनिफिट मिलता है इन मनी वैल्यू, ताकि हम ये डिसीजन ले सकें कि जिसमें हमें सबसे ज्यादा मॉनेटरी वैल्यू का बेनिफिट मिल रहा है हम उसी ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करें। सो सेकंड है हमारे पास एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरिया, दिस मेथड विल रिक्वायर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरियन फॉर ईच एक्ट यूजिंग प्रोबेबिलिटी। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है तो आपको ये वाला टेबल याद होगा, अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरिया, ये हम कैसे बनाते हैं। सेकंड मेथड में हमें अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरिया इसका एक टेबल बनाना पड़ेगा, फिर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कौन सा डिसीजन बेस्ट सुटेबल है एज पर अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरिया टेबल। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये लॉस क्राइटेरिया मतलब लॉस टेबल आएगा, इसका मतलब हर एक ऑल्टरनेटिव को हम आइडेंटिफाई करेंगे और वो ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करेंगे, वो डिसीजन सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें कम से कम वैल्यू आएगी, क्योंकि ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो लॉस में आएगी। हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से ऑल्टरनेटिव से कम लॉस होगा, और इसमें हम क्या करेंगे प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसलिए दोनों में डिफरेंस है, इसमें हम प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और मैक्सिमम सिलेक्ट करेंगे, इसमें हम लॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और मिनिमम सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि डिसीजन बेस्ट लेने का दो ही मेथड हो सकते हैं, या तो हम वो डिसीजन लें जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, या तो हम वो डिसीजन लें जिससे हमारा लॉस कम हो रहा है। तो फर्स्ट मेथड प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए, सो हम मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। सेकंड मेथड लॉस कम करने के लिए, सो हम मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। सो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखते हैं एक क्वेश्चन में, कि इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। सो ये हमारे पास क्वेश्चन, पे ऑफ्स ऑफ थ्री एक्ट्स ए बी सी, द स्टेट ऑफ नेचर पी क्यू एंड आर गिवन बिलो। हमें थ्री ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड हैं और उनका स्टेट ऑफ नेचर प्रोवाइड है।
अब हमें ये थ्री ऑल्टरनेटिव्स जो प्रोवाइड हैं वो डिसीजन के ऑल्टरनेटिव्स हैं कि हमारे पास ए बी और सी थ्री ऑल्टरनेटिव्स हैं। जो डिसीजन मेकर है या तो वो ए ऑल्टरनेट सिलेक्ट करेगा या बी या फिर सी। इसके साथ हमें प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर आर 0.5 फॉर पी, मतलब हमें पी के लिए प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.5, 0.1 क्यू के लिए एंड 0.4 आर के लिए। सो हमें ये प्रोबेबिलिटीज गिवन है। हमें प्रोबेबिलिटीज इसलिए गिवन है ताकि हम विद प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था, जब हमने थ्योरी शुरू की थी, तो उधर लिखा हुआ था डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क विद प्रोबेबिलिटी, ये वर्ड प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी हमें ऑलवेज पेपर में गिवन ही होगी, हमें फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी हमें क्या शो करती है कि अगर हम ऑल्टरनेटिव ए सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमें यही एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि हमें 35 का लॉस होगा, माइनस मतलब लॉस होगा। 0.1 प्रोबेबिलिटी है कि हमें 250 का प्रॉफिट होगा। 0.4 प्रोबेबिलिटी है कि हमें 550 का प्रॉफिट होगा। सो इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फर्स्ट ऑल्टरनेटिव ए की मॉनेटरी वैल्यू निकल जाएगी विद प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही बी, 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि हमें बी ऑल्टरनेटिव में से 120 का प्रॉफिट होगा। ऐसे ही -35 मल्टीप्लाई 0.1, 650 मल्टीप्लाई 0.4। ऐसे हम सी ऑल्टरनेटिव के साथ भी करेंगे ताकि हमें मॉनेटरी वैल्यू पता लग जाए। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, स्टेट विच एक्ट कैन बी चूजन एज द बेस्ट एक्ट, कौन सा एक्ट, कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट होगा। सो हम दोनों मेथड से अप्लाई करके देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है। सो फर्स्ट मेथड हम शुरू करते हैं, जिसका प्रोसेस मैंने बता ही दिया है कि हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना है कि कौन सी वैल्यू से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। सो ये रहा हमारे पास फर्स्ट मेथड, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्राइटेरियन, जिसमें हमें स्टेट ऑफ नेचर लिख लिया, हमने प्रोबेबिलिटीज लिख ली और ये हमारे पास थ्री ऑल्टरनेटिव्स। अब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करके ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कौन सा बेस्ट एक्ट अवेलेबल है। सो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई -35 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 250 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 550। सो इसको मल्टीप्लाई करके और प्लस करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी हम वो लिख लेंगे। ऐसे ही एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू फॉर बी ऑल्टरनेटिव, इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑल्टरनेटिव्स 120 को प्रोबेबिलिटी 0.5 से, प्लस 0.1 मल्टीप्लाई -350 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 650। ऐसे ही अब हम थर्ड ऑल्टरनेटिव के लिए भी इसका भी आंसर हम फाइंड आउट करके लिख लेंगे, 0.5 प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई -100 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 200 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 700। सो हमारे पास जो इनका आंसर आएगा हम वो लिख लेते हैं। सो इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 227.5। बी का जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 285। जो थर्ड का हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 250। जैसे कि मैंने थ्योरी में बताया था कि ये हमारा मैक्सिमाइज करने के लिए है प्रॉफिट को। सो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हम सिलेक्ट कर लेंगे अपने ऑल्टरनेटिव के लिए।
हमारा आंसर क्या होगा? ऑल्टरनेटिव बी इज सिलेक्टेड, जिसकी वैल्यू है 285. सो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट मेथड देखते हैं सेम इसी क्वेश्चन के साथ. सो ये हमारे पास नेक्स्ट मेथड, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस. अब इस मेथड को करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम पहले प्रॉफिट मैट्रिक्स को अपॉर्चुनिटी लॉस या लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे ये हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है. अगर आपको डिटेल में अंडरस्टैंड करना है कि अपॉर्चुनिटी लॉस का टेबल कैसे बनाना है, तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा. जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे करनी है, कैसे इसको प्रॉफिट मैट्रिक्स को हम लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं. सो जो हमें क्वेश्चन गिवन था हम उसकी हेल्प से इसको करेंगे. जो हमारे पास स्टेट ऑफ नेचर गिवन है पी क्यू एंड आर, हम इन रोज को चेक करेंगे. जो हमारे पास रोज में, इन रो में सबसे हाईएस्ट वैल्यू आएगी, जैसे पी में हाईएस्ट वैल्यू जो है वो है 120. 120 को हम माइनस करेंगे -35 से, 120 को हम माइनस करेंगे 120 में से, 120 को हम माइनस करेंगे 100 -100 में से. ऐसे ही अब क्यू स्टेट ऑफ नेचर में हमारे पास इस रो में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 250. सो 250 को हम 250 में माइनस करेंगे, 250 में से हम -35 को माइनस करेंगे, और 250 में से हम 200 को माइनस करेंगे. ऐसे ही आर ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास है स्टेट ऑफ नेचर है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू जो है वो है 700. सो 700 में से हम माइनस करेंगे 550, 700 में से माइनस करेंगे 650, और 700 में से हम 700 माइनस करेंगे. इससे जो हमारा प्रॉफिट मैट्रिक्स है वो लॉस मैट्रिक्स में बदल जाएगा. अब इस प्रोसेस को मैंने डिटेल में अपनी वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो आप प्रीवियस वीडियो को एक बार प्लीज चेक कर लीजिए. तो चलिए हम इसमें शुरू करते हैं, प्लस माइनस करते हैं. सो ये रहा हमारे पास टेबल जिसमें प्रोबेबिलिटीज हमें वही गिवन है, 0.5, 0.1 एंड 0.4. अब करना कैसे है, जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू आई थी क्वेश्चन में वो थी 120, जो कि बी की थी. सो 120 माइनस -35, ऐसे ही 120 माइनस 120, 120 माइनस -100. ऐसे ही जो हमारे पास इस रो में जो हाईएस्ट वैल्यू आई थी वो थी 250 ए की. सो 250 माइनस 250 माइनस -350, ऐसे ही 250 माइनस 200. सो इस रो में जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू आई थी वो थी 700 सी की. तो 700 माइनस 550, 700 माइनस 650, 700 माइनस 700. अब ये हमारे पास लॉस मैट्रिक्स आ गया. अब इस लॉस मैट्रिक्स से हमारे पास जो वैल्यू आएगी हम उस वैल्यू को यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने पिछले मेथड में किया, और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे. सो माइनस प्लस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है हम वो लिख लेते हैं डायरेक्ट. सो इसमें हमारे पास आएगी 155, इसमें 0 और इसमें 220. ये माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए 155, माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए 220. ऐसे इसमें हमारे पास वैल्यू आएगी 0, इसमें आएगी 600, और इसमें हमारे पास वैल्यू आएगी 50. ऐसे इसमें जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो है 150, इसमें आएगी 50 और इसमें आएगी 0.
सो अब हमारे पास ये लॉस मैट्रिक्स आ गया। अब हम इस लॉस मैट्रिक्स को यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है, और इसमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव मैक्सिमम वैल्यू वाला नहीं, मिनिमम वैल्यू वाला होगा, क्योंकि अब ये हमारे पास लॉस मैट्रिक्स आ गया। हम वो वाला ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करेंगे जिससे हमें कम से कम लॉस हो। तो इसको भी हम कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस फॉर ए ऑल्टरनेटिव। सो वैल्यू हमारे पास 0.5 प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई 155 प्लस 0.1 प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई 0 प्लस 0.4 प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई 150। सो जो वैल्यू आएगी हम वो लिख लेंगे ऐसे ही, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस फॉर बी ऑल्टरनेटिव प्रोबेबिलिटी 0.5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0.1 प्रोबेबिलिटी 600 प्लस 0.4 प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई 50। ऐसे ही एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस फॉर थर्ड ऑल्टरनेटिव मीन सी, उसके लिए फाइंड आउट कर लेंगे 0.5 मल्टीप्लाई 220 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 50 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 0। सो मल्टीप्लाई और प्लस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो है 137.5, 80 और 115। जो हमने सिलेक्ट करना है वो मिनिमम होना चाहिए इन सब में से। सो मिनिमम हमारे पास 80 वैल्यू आ रही है, सो हमारा बी ऑल्टरनेटिव जो है वो सिलेक्टेड हो जाएगा। इसकी वैल्यू 80 है। सो हमारा जो फर्स्ट मेथड में आंसर आया था वो भी बी था, और जो हमारा सेकंड मेथड में आंसर आया वो भी बी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट मेथड है उसमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किससे आएगा। सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें बी से आ रहा था, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जब हमें बी से आ रहा है तो इसका मतलब लॉस जो हमें होगा वो सबसे कम बी से ही होगा। सो आई होप आपको ये दोनों मेथड अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।